इराक इदारा हुकूमत बगदाद के ग्रीन जोन में एक मरतबा फिर रॉकेट हमला। दो रॉकेट गिरने से धमाकों की आवाजें सुनी गईं, आग भी भड़क उठी। एक रॉकेट अमरीकी सफारतखाने से 100 मीटर फासले पर जा गिरा। ईरान की जानिब से भरपूर जवाब के बाद अमरीकी सदर के सर से जंगी जुनून उतर गया। आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की दावत। चीन, रूस, जर्मनी और फ्रांस को ईरान से मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ट्रंप का एटम बम बनाने से रोकने और पाबंदियां बरकरार रखने का भी ऐलान। American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken, the dispersal of forces, and an early warning system that worked very well. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ जंग से रोकने के लिए आज ऐवान नुमाइंदगान में राय शुमारी होगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर निंसी पेलोसी ने अमरीका को ईरान के खिलाफ जंग से रोकने के लिए राय शुमारी कराने का मुतालबा किया था। नेटो चीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन। ईरान के मामले पर राब्ते पर रहने का भी इत्तेफाक। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटो मशरकी वस्ता में ज्यादा किरदार अदा कर सकता है। खत्ते से जंग के बादल छट गए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में दोबारा कमी, सोने की कीमत भी गिरने लगी। हांगकांग और न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। पासदारा ने इनकलाब इस्लामी ईरान के सरबरा जनरल हुसैन सलामी की अमरीका को नए हमलों के लिए तैयार रहने की धमकी। कहा, खत्ते में अमरीका की मौजूदगी दहशतगर्दों को तकवीत देती है। ईरान अमरीकी फौज के इनखला के लिए इराकियों की मदद जारी रखेगा। मुआवने खुसूसी फिरदौस हाशिम खवान ने कहा है कि पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम का दाई है। वजीर आजम ने वाजे कर दिया कि पाकिस्तान किसी नई जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। जंग खित्ते और दुनिया के मफाद में नहीं, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया और आलमी अम के मफाद में अपना मुस्बित किरदार अदा करता रहेगा। मुल्क भर में यखबस्ता हवाओं और धुंध का राज बरकरार। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। रमा साल कराची में मौसम सरमा की सबसे सर्द रात। नॉर्थ कराची और सुरजानी टाउन में दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड। शाहराह फैसल, आई चंडीगढ़ रोड और सदर में दर्जा हरारत 60 डिग्री रहा। शदीद सर्दी की लहर मजीद 3 दिन तक जारी रहने की पेश गोई। कराची में ठिठुरा देने वाली सर्दी में मोटरसाइकिल वालों का अपने काम पर जाना और वापस आना किसी इम्तिहान से कम नहीं। कामयाब वही है जो अपने आप को गर्म कपड़ों में कवर करके निकलते हैं। शदीद धुंध के बाद नौशेर फिरोज में कंडियार और टूल प्लाजा में मुसाफिर कोच ने खड़ी कार को टक्कर मार दी। हादसे में एक मुसाफिर और टूल प्लाजा के 4 मुलाजमीन समेत 5 अफराद जान बहक। दिन भर में सीएनजी के हुसूल के लिए शहरियों का इंतजार और तवील हो गया। शहरी आज भी गैस से महरूम रहेंगे। स्टेशन 50 घंटों बाद जुमे की सुबह खुलेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से जालमाना कर्फ्यू को 158 दिन हो गए। यूरोपीय यूनियन ने भारतीय हुकूमत के ड्रामे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। पुलवामा और शोपियां से रवां साल रोजाना की बुनियाद पर लाशें मिल रही हैं। यूरोपीय सफीरों ने मोदी सरकार की रहनुमाई में दौरा मकबूजा कश्मीर की दावत को मुस्तरद कर दिया। अब भारत अमरीकी सफीर समेत 17 मंदोबीन को मकबूजा वादी का आज महदूद दौरा कराएगा। आइंदा माली साल पाकिस्तान की मौसी शरह नमू 3% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने जून में शरह नमू 2.7% रहने की पेश गोई की थी। रवां साल मुल्की माशी शरह नमू में कमी की वजह आलमी माशी सुस्त रवि है। आलमी बैंक की जानिब से ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिक 2020 की रिपोर्ट जारी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक दिन मंदी के बाद आज जबरदस्त तेजी देखने जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स 41,357 की सतह पर रहे और पहले घंटे में 711 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। कराची पुलिस जराइम पेशा अफराद को लगाम देने में नाकाम। दिसंबर के 31 दिनों में शहर से 2,547 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। CPLC की रिपोर्ट। कराची की अब्बासी शहीद अस्पताल के सर्द खाने में गुसल के दौरान जिंदा होने वाली खातून कुछ घंटे बाद इंतकाल कर गईं। खातून को डॉक्टरों ने मुर्दा करार देकर डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था। गुसल के दौरान उठ खड़ी हुई, आज सुबह 5 बजे इंतकाल कर गईं। सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर सुलमा कौसर की तस्दीक। जाली अकाउंट्स स्कैंडल में मुलजमान डॉक्टर डिनशा और साबिक डीजी पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। दोनों को जुडिशियल रिमांड में 27 जनवरी तक तौसी कर दी गई। खुसूसी अदालत के क्याम के खिलाफ परवेज मुशरफ की दरखास्त पर समाअत जारी। जस्टिस सैयद मुजाहिर अली की सरबराही में फुल बेंच परवेज मुशरफ की दरखास्त पर समाअत कर रहा है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में पुलिस इंस्पेक्टर को जख्मी और अहलकार को शहीद करने वाला मुलजम गिरफ्तार। मुलजम इकराम ने साल 2018 में साथी के हमरा पुलिस अहलकारों पर हमला किया था। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं जुमे तक मुतालबात न माने गए तो हड़ताल में ऑयल टैंकर मालकान भी शामिल हो जाएंगे। बरतानिया का शाही खानदान टूट फूट का शिकार। शहजादा हैरी और शहजादी मेघन मार्कल का शाही खानदान से अलहदगी और बरतानिया से मुंतकली का फैसला। रवा साल खुद मुख्तार जिंदगी गुजारने के फैसले पर अमल दरामद करेंगे शहजादा हैरी और शहजादी मेघन। सिंध की रिवायत में चाय को अहम एहसियत हासिल है। हैदराबाद की मशहूर फूलगरी की दूध पत्ती और मलाई वाली चाय बहुत मशहूर है। लोग ये चाय पीने दूर दूर से यहाँ आते हैं।